KGF चैप्टर 2 की तरह साउथ की एक और बड़ी मूवी रिलीज होने जा रही है और हमें एक के बाद एक और एक से बढ़कर एक साउथ मूवी का धमाका देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार चैलेंजिंग स्टार दर्शन के कैरियर की सबसे बड़ी मूवी रिलीज होने जा रही है, जिसकी कंफर्म रिलीज डेट आ चुकी है और इस मूवी का धमाकेदार टीजर भी यूट्यूब पर आ चुका है, जिसको देखने के बाद ऑडियंस इस मूवी को KGF चैप्टर 2 से कंपेयर करने में लगी है। और अगर आप इस मूवी के टीजर को देखेंगे तो हॉलीवुड की चर्चित मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड की आपको फीलिंग आने लगेगी। बस इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बजट की और कितने हाई लेवल की मूवी होने वाली है। और अगर बात करें इस मूवी की तो इस मूवी का नाम है रॉबर्ट, जिसके लीड रोल में हमें चैलेंजिंग स्टार दर्शन, आशा भट्ट, जगपति बाबू के अलावा भोजपुरी स्टार रवि किशन भी दिखाई देंगे। और अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन की तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं थरुण सुधीर, जो कि इससे पहले गाजा केसरी, रैम्बो और टाइगर जैसी बहुत सारी साउथ की मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। और अगर बात करें इस मूवी के बजट की तो खबरों की माने तो इस मूवी का बजट 100 करोड़ के आसपास होने वाला है। वहीं अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी में हमें दर्शन हजारों की भीड़ में अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे और इस मूवी के टीजर में राम और रावण दोनों का ही जिक्र किया गया है। तो बिल्कुल KGF चैप्टर 2 की तरह ही ऑडियंस इस मूवी में भी डिसाइड करेगी मूवी का मुख्य किरदार हीरो है या फिर विलन है, ये तो पूरी मूवी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो कुल मिलाकर ये दर्शन के कैरियर की अब तक की सबसे बड़े बजट की मूवी होने वाली है, जिसमें हमें हाई लेवल की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने रॉबर्ट मूवी के टीजर को अभी तक देखा है या नहीं देखा, और अगर देख चुके हो तो आपको इस मूवी का टीजर कैसा लगा है आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की रिलीज डेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को तेलुगु और कन्नड़ा लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होना था और बॉलीवुड के कुछ प्रोडक्शन हाउस से बात भी तय हो गई थी, लेकिन बाद में कुछ अनबन के चलते इस मूवी के हिंदी डब को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है कि इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि ये मूवी 11 मार्च को कन्नड़ा और तेलुगु लैंग्वेज में हमें सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही इस मूवी की हिंदी डब से जुड़ी हमें कोई अपडेट मिलती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सूचित कर देंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल वाले आइकॉन को दबा देना ताकि ये मूवी जैसे ही हिंदी डब में रिलीज हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।